हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। महेश भट्ट की लाइफ जितनी कंट्रोवर्शियल है, उससे कहीं ज़्यादा कंट्रोवर्शियल उनके बेटे की लाइफ है। आपने महेश भट्ट के सभी बच्चों के नाम सुने होंगे, आलिया भट्ट, शाहीन भट्ट, पूजा भट्ट, और जानते भी होंगे क्योंकि सभी फिल्म जगत से जुड़े हैं सिवाय उनके बेटे के। महेश भट्ट की पहली पत्नी लॉरेन ब्राइट से उनके दो बच्चे थे, पहली पूजा भट्ट जिसे आप सभी अच्छी तरह से जानते होंगे, और दूसरा राहुल भट्ट जिसकी चर्चा केवल 26/11 के बम धमाकों के दौरान हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि 26/11 के बम धमाके से महेश भट्ट के बेटे का क्या लेना देना। दरअसल इसी बम धमाके से जुड़े एक इंसान के इर्द गिर्द राहुल भट्ट की जिंदगी थी। वो इंसान राहुल भट्ट के लिए इतना इम्पॉर्टेंट था कि बम धमाके में उसके साथ फंसने के बावजूद उनके और अपने रिश्ते पर उसने एक बुक लिख डाली जिसका नाम था हेडली एंड आई, और एक बॉम्बर हेडली को अपने जिंदगी का उसने सुपर हीरो बना दिया। राहुल भट्ट की कंट्रोवर्सी जानने से पहले महेश भट्ट के साथ उनका रिश्ता और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। राहुल भट्ट महेश भट्ट के इकलौते बेटे हैं। अगर उनके करियर की बात की जाए तो उन्होंने 2001 में आई द्रौपदी सीरियल में लॉर्ड कृष्णा का रोल किया था। 2004 के बिग बॉस सीजन 4 में भी वो कंटेस्टेंट के रूप में नजर आए थे। उन्होंने फिल्मों में कभी काम नहीं किया और ना ही कभी उनके पिता महेश भट्ट ने उन्हें फिल्मों में लॉन्च करने के बारे में सोचा। इसके बारे में जिक्र करते हुए राहुल भट्ट ने अपनी किताब में लिखा है कि मेरे पिता ने मुझे कभी अपने बच्चे की तरह नहीं माना, उन्होंने मुझे एक बास्टर्ड चाइल्ड की तरह ट्रीट किया है। मेरे जीवन में हमेशा एक फादर फिगर की कमी रही है और मैं इनसिक्योरिटीज के साथ बड़ा हुआ हूँ। मेरा जीवन मुझे हमेशा मूवी गॉडफादर के ग्रेसिस कैरेक्टर के जैसा लगता है। राहुल भट्ट अपने पिता के व्यवहार से बेहद आहत थे, इसलिए उनकी दोस्ती एक ऐसे इंसान से हो गई जो केवल गन्स और लड़कियों की बातें करता था। राहुल इन बातों से काफी फैसिनेट होते थे। उस इंसान का नाम था डेविड हेडली। डेविड राहुल की जिंदगी में एक हीरो भी थे, एक फादर फिगर भी थे और एक बेस्ट फ्रेंड भी। पर डेविड हेडली कोई साधारण इंसान नहीं था। राहुल भट्ट की जिंदगी में तूफान तब आया जब 26/11 के धमाकों में एक संदिग्ध के रूप में डेविड हेडली की पहचान हुई। उनका लिंक राहुल भट्ट से भी जोड़ा गया क्योंकि डेविड ने राहुल को एक ईमेल किया था जिसमें उन्होंने 26 तारीख को राहुल को साउथ मुंबई की तरफ जाने से मना किया, और उसी दिन वहां पर बम धमाका भी हुआ था। हेडली को राहुल से बहुत प्यार था, इसलिए राहुल को आगाह करने के लिए उसने यह मेल भेजा था, लेकिन इस मेल के कारण राहुल का नाम भी बम धमाके के संदिग्धों में शामिल हो गया। हालांकि बाद में राहुल इससे बाहर निकल आए। एक इंटरव्यू में राहुल ने बताया था कि महेश भट्ट ने जब अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी की थी तो उन्होंने मुस्लिम धर्म को अपना लिया था, और मुस्लिम धर्म के अनुसार उन्होंने अपनी बेटियों का नाम भी आलिया और शाहीन रखा। वे अपने बेटे का नाम भी बदलकर मोहम्मद रखना चाहते थे, पर उनकी माँ नहीं चाहती थी कि उनके बेटे का नाम मुस्लिम धर्म पर रखा जाए। राहुल का कहना है कि उनकी माँ के इस कदम ने उनकी जान बचा ली, क्योंकि अगर उनका नाम मोहम्मद रहे तो शायद वे मुंबई बम धमाकों के इल्जाम से कभी बाहर नहीं हो पाते और शायद तिहाड़ जेल में बंद होते। मुंबई बम धमाकों के बाद वैसे भी उनके दोस्तों और पिता ने उनसे पल्ला झाड़ लिया था। उनके पिता ने उनसे कहा कि अगर उस बम धमाके में उनका कोई भी हाथ है तो वे उनसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लेंगे। राहुल ने 26/11 के मुंबई बम धमाके में पुलिस के लिए वॉलंटियर का काम किया था, और उस समय शिवसेना ने भी उस घटना से निकलने में राहुल की मदद की थी। डेविड हेडली के विलेन होने के बावजूद राहुल को अपनी जिंदगी का ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग लगा कि उन्होंने उस पर और खुद पर एक बुक लिख डाली। महेश भट्ट द्वारा अपनी पहली पत्नी को छोड़े जाने पर उनके दोनों बच्चे पूजा और राहुल अपनी माँ की तकलीफों को देखते हुए बड़े हुए। पूजा तो अपने पिता के करीब रही, पर राहुल भट्ट की जिंदगी एक अबेंडेंट की तरह गुजरी। यही कारण है कि वे गॉडफादर जैसी फिल्में देख देख कर बड़े हुए हैं और अपनी जिंदगी को पूरी तरह उसी मूवी से रिलेट करते हैं। आज राहुल भट्ट एक फिटनेस ट्रेनर के तौर पर काम करते हैं। आमिर खान ने दंगल मूवी के दौरान फिटनेस ट्रेनर के रूप में राहुल भट्ट से ही ट्रेनिंग ली थी। राहुल भट्ट मीडिया में तो गुमनाम है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि उनकी बुक हेडली एंड आई पर जल्द ही एक फिल्म बनेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है, इसे लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जल्द से जल्द जाकर वैक्सीन लगवाएं। थैंक यू सो मच।